स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर लोगों ने किया शत शत नमन। जयनगर के हीरो डी में सीपीआई कोडरमा के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सीपीआई के नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कई जनप्रतिनिधियों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और अदम्य पराक्रम का परिचय देते हुए देशवासियों को एकजुट करने में यहाँ भूमिका निभाई थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का ओजस्वी नारा देकर देशवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए जोश भर दिया था। उन्होंने आजादी की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया। आज राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और समर्पण को आदर और सम्मान करने के साथ उनके आदर्शों तथा विचारों को आत्मसात करने का दिन है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन। इस अवसर पर एक सभा की गई। सभा की अध्यक्षता रामेश्वर चौधरी ने की, वहीं संचालन महेश प्रसाद सिंह ने किया। सभा को सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य चंदवारा महादेव राम, सीपीआई जिला मंत्री प्रकाश रजक, हीरोडीह पंचायत के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद यादव, अंचल मंत्री अर्जुन यादव, महेश प्रसाद सिंह, रामेश्वर चौधरी, उप प्रमुख वीरेंद्र यादव, कैलाश रजक और सिकंदर कुमार एडवोकेट समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। रंजीत कुमार के साथ इंद्रदेव राम की रिपोर्ट। हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग मनाने में सक्षम है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती लगभग 125वीं जयंती मना रहे हम लोग। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक बात कहना चाहेंगे, खासकर युवाओं को, नए वर्ग के पीढ़ी लोगों को, कब इनका जो देश को बचाने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए और मैंने समता कलह मिटाने के लिए जो काम किए हैं, निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम मना रहे हैं और यादगार के समय में युवाओं को मनाना चाहिए। उनका कर्मभूमि अपने जीवन में उतारना चाहिए, नहीं उतारने से देश कल्याण नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग यहां मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस इस देश के महान योद्धा थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा किया और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके नौजवानों को लड़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और जिन नौजवानों को उन्होंने प्रेरित किया, जिन नौजवानों को उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए उसकाया, भगत सिंह ने भी फांसी के फंदे पर चुमा, अपनी शहादत दी, इसलिए कि यहां के नौजवानों को ललकारने का काम किया। नौजवानों को उन्होंने कहा था कि आप लड़ाई लड़ो, एक न एक दिन आजादी मिलेगी। तो देश के नौजवानों को, देश के सपूतों ने प्रेरणा दिया लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के जो नौजवान हैं वो भटके हुए हैं, लड़ते नहीं हैं, संघर्ष पर विश्वास उनको नहीं है, उनको पैरवी पर विश्वास है और उनको जो है अनावश्यक समय बर्बाद करते हैं। और आज अगर सचमुच में अगर जयंती नेताजी के मनाया जाए तो यहां के जो नौजवान हैं उनको इनके दर्शन से, नेताजी के दर्शन से प्रेरणा लेकर के लड़ना होगा, देश के लिए दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि यह ये जो आजादी है चंद लोगों में ही सिमटी हुई है, पूरे लोगों के बीच ही 100% लोगों के पास, गरीब गुरुआ के पास, खेत खलिहान और गरीब के झोपड़ी तक आजादी नहीं गई है। और गरीब के झोपड़ी तक आजादी ले जाने के लिए, गरीबों के बीच आजादी ले जाने के लिए दूसरी लड़ाई लड़नी होगी और यहां के नौजवानों को लड़ना होगा। यहां के नौजवानों को प्रेरणा स्रोत नेताजी को कहना है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कि सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के में जब गांधी जी के साथ उनको नहीं विचार मिल सका, वो गरम दल के नेता थे और आजाद हिंद फौज की स्थापना करके भारत से जो है भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने विभिन्न देशों का भ्रमण किया और वो भ्रमण में कम्युनिस्टों ने उनका साथ दिया और कम्युनिस्टों के द्वारा वो अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान से काबुल, काबुल से रसिया, रसिया से जर्मनी, इस तमाम कम्युनिस्टों के बदौलत नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सो करने का काम किया। और आजाद हिंद फौज की जब स्थापना किया तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये सारे नारा फॉरवर्ड ब्लॉक। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।